जी भाई, किससे मिलना है? जी मैं डिलीवरी लेकर आया हूँ यूनिक बेकरी से। अच्छा, अंदर दे दीजिएगा। दो मिनट वेट करो मैं मैडम, बुला लिया। आप ये तो लेते। हाँ, ये बिल भी। शुक्रिया। मैंने सुना है कि आजकल अंकल आंटी तुम्हारा रिश्ता तलाश कर रहे हैं। अच्छा, I have no idea. Why not? तुम्हारी शादी है, तुम्हारे शादी का फैसला है, तुम्हें तो उसकी खबर होनी चाहिए। Okay, but I trust them. They are my parents. मैंने उनपे छोड़ा, वो बेहतर फैसला करेंगे मेरे लिए। हेलो भाई, भाई अजीब आदमी का पैसा ही नहीं लेके गया। तुम आजकल की दौर की एजुकेटेड लड़की होने के बावजूद इन सब बातों में बिलीव करती हो? लाइक मेरी जिंदगी है, तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक होना चाहिए। कम ऑन, टेक अ चिल पिल। हे मॉम, मैंने कहा था ना, मेरा बच्चे एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करेंगे। मेरा बंटी है ही इतना जॉली कि कोई भी उसकी कंपनी में बोर नहीं होता। इस दफा बंटी काफी लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान आया है, तो क्यों ना तुम दोनों कोऑर्डिनेट करके मिल लिया करो। तुम दोनों को अच्छी कंपनी मिल जाएगी। अब मेरी वफा को राइडिंग और स्विमिंग का बहुत शौक, तो बंटी तुम अगर इसका क्लब ज्वाइन कर लो तो तुम दोनों का टाइम भी अच्छा गुजरेगा और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। क्या कहते हो? I'm on, I'm good. Good idea. Nice idea. Enjoy तो कर रही हो? मुझे ऐसे बात बहुत, तुम्हारी पार्टी में कोई बोर हो सकता है? देखो बच्चे भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। आई होप म्यूजिक ज्यादा लाउड नहीं। अम्मी जान, नानी से बोले ना मुझे इजाजत दे दें, सबा के घर जाना है, उसकी सालगिरह है। पता, मेरी सारी दोस्तें जा रही हैं। अरे भाई, मुझे क्या कहती हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो सारे फैसले तुम्हारे नानी करती है। अगर वो तुम्हें इजाजत देती है तो 100 बिस्मिल्लाह, शौक से चले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। ये लो, तुम्हारी जो दोस्त है ना, इनके रंग ढंग तौर त्वार ये कहीं से खानदानी नहीं लगते हैं। जब देखो किसी न किसी के सालगिरह के बहाने नाचने गाने की महफिल जमा लेती हैं, और औरतें सब बैठी ठीची चीची ठीची चीटी करती रहती। अरे मैं पूछती हूँ, भला शरीफ घराने के बच्चे के ये तौर तरीके होते हैं? खानदानी बच्चे कहीं ऐसा करती हैं? मुझे बताओ, आजकल की लड़कियाँ बनाओ सिंगार करके मर्दों को दावत नजारा देने के लिए बाहर निकल पड़ती हैं बाजारों में। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उनको देखा देखी ना, ये जो है, ये सामने जो बैठी हुई है, ये भी उन्हीं के तौर तरीके पर चलने के लिए। हाँ मैं बता रही हूँ, लिख लो। नानो बिल्कुल ठीक कह रही है दादा, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों से मिलने जिनका रहन सहन हम लोगों से मुख्तलिफ हो। वो लोग हम लोगों में से नहीं है। जहां इतना फर्क हो वहां फासला रखना जरूरी होता है।
ये देखो, ये है हमारा बेटा जो हमारे नक्शे कदम पर चल रहा है। सीखो कुछ इससे तुम भी। हाँ नानो, मैं ही बुरी हूँ ना। बस रहमत ने कह दिया ना। भाई कहाँ थे आप? अम्मी आपको कब से कॉल कर रही थी? खाना खा कर आए या लगा दूं मैं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भाई क्या हुआ, भूख क्यों नहीं है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस आराम करना चाहो। अच्छा, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। मैंने अम्मी से आपकी और वफा बाजी के रिश्ते की बात की है, बल्कि मैंने अम्मी को ये कहा है कि मैंने खुद आपके लिए लड़की पसंद कर रखी है। ये क्या कर दिया तुमने ज़ैनी? किससे पूछ के तुमने अम्मी को बताया? पता नहीं अम्मी जान क्या सोचती होंगी, तुमने मुझसे बगैर पूछे क्यों बताया ज़ैनी? लेकिन भाई मैंने तो इसलिए बात की थी कि अम्मी आपके लिए लड़की देखने जा रही थी, और अगर मैं आपकी और वफा बाजी की बात ना करती। क्या वफा वफा की रट लगा रखी है तुमने ज़ैनी? क्या जानती हो तुम वफा के बारे में, बताओ मुझे, जो उसे भाभी बनाने के ख्वाब देख रही हो तुम? ख्वाब ख्वाब होते हैं ज़ैनब, उन्हें जबरदस्ती हकीकत नहीं बनाया जा सकता। लेकिन भाई आप तो। लेकिन क्या, मैंने भी ख्वाब देखा था। जागती आंखों का ख्वाब बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एक इंसान सारी जिंदगी सैराब के पीछे भागता रहा और आखिरकार उसके हाथ कुछ ना आए। आइंदा इस घर में वफा का नाम कोई भी नहीं लेगा और ना ही इस मौजू पे बात की जाएगी, समझ रही हो ना तुम? बहुत ही इल मैनर्ड हो गई हो तुम। तुमने जानबूझकर उन लोगों को इग्नोर किया या अपने बाप की तरह तुम में से भी मैनर से खत्म हो गए सारे? मामा प्लीज आप हर बात तो बाबा को मत ले आया करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। उस शख्स की नाराजगी की बड़ी परवाह तुम? और मेरी जो तुम सबके सामने इंसल्ट करती रहती हो, उसके बारे में जरा एहसास है या नहीं? मामा प्लीज। अब क्या हो गया, क्या कहा तुमने वापस? कुछ नहीं, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में उठने बैठने की तमीज सिखा रही थी और बस। पढ़े लिखे? किन पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हो तुम? मुंह बिगाड़कर अंग्रेजी पढ़ने और मॉडर्न लिबास पहनने से कोई पढ़ा लिखा नहीं बन जाता। मेरी बेटी क्या है ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, उसे बंटी से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देहाती बैकग्राउंड रखने से कोई जाहिल नहीं हो जाता, मेरे खानदान के लोग तुम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आजकल भारी डिग्रियों को नहीं, एडिकेट्स और लाइफस्टाइल को देखा जाता है, लेकिन आप इन सब बातों को क्या जाने? आप तो इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी वो कुएं के मेंढक ही रहे। जबान संभाल कर बात करो मेरा, अपना असल और अपनी औकात मत भूलो तुम। मॉडर्न लोगों के साथ उठने बैठने और उनका रहन सहन अपनाने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। गलती मेरी है कि मैंने तुम पर पाबंदी नहीं लगाई, तुम्हें अपने दोस्तों और नौ दौलती रिश्तेदारों से मिलने जुलने दिया। एक बात याद रखो, तुम सारा के साथ ज्यादती करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो जो तुमने की, लेकिन वफा के साथ मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मेरी बेटी कभी तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेगी, कभी नहीं। ठीक है तो फिर करके देख लीजिए अपनी मनमानी, मैं भी देखती हूं आपके रास्ते पर चलकर वफा खुश रहती है या नहीं। वफा ने अगर सारा से ज्यादा खुशगवार जिंदगी गुजारी तो मैं भी आपको मान जाऊंगी हमाद साहब। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, आज इतनी जल्दी? अरे भाई बहुत थक गया आज, मैं क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे मेरी बेटी। भाई बेटी हो तो ऐसी जो बाप के घर आते ही बिना कहे
समझ जाए कि बाप क्या चाहता है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि जब हमारी बेटी अपने घर चली जाएगी तो मेरा क्या बनेगा। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपकी खिदमत ही नहीं करती। कभी कोई चीज की कमी होने दी मैंने आपको? अरे नहीं भाई, नहीं, ये किसने कहा? तुम बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन सच्ची बात ये है कि बेटी के हाथ से पानी और चाय पीकर थकन एक मिनट में दूर हो जाती है। बेटियों के साथ इतना लाड नहीं करना चाहिए। कल को इन्हें अपने घर पे जाना है, फिर क्या करेंगे आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने अब्बू जी को छोड़कर, मैं इन्हीं के पास ही रहूंगी। देखा, कर दिया ना बेटी का दिमाग खराब। बेटी चाहे बादशाह की हो या फकीर की, उसको अपने घर जाना ही होता। और बेटी की कमी महसूस ना हो इसलिए मैंने सोचा है कि इसके जाने से पहले हम बहू ले आएंगे। जैनब, तुम किसी लड़की का जिक्र कर रही थी जो भाई के लिए पसंद कर रखी है, कौन है वो और कहाँ रहती है? वो अम्मी, वो आइंदा इस घर में वफा का नाम कोई भी नहीं लेगा और ना ही इस मौजू पे बात की जाएगी। अम्मी, उनकी बात कहीं और पक्की हो चुकी है, छोड़ दें आप उन्हें। क्या, इतनी जल्दी बात पक्की होगी? अरे भाई, इसका मतलब है कि लड़की वाकई बहुत अच्छी थी जो यूं झट से उसकी मंगनी हो गई और बात पक्की हो गई। आजकल खानदानी और अच्छी लड़कियां ज्यादा देर कंवारी नहीं बैठी रहती। अब अल्लाह करे हमारे बेटे को भी बहुत अच्छी सी लड़की मिल जाए जो आके उसकी जिंदगी को भी अच्छा करे और हमें भी खुश रखे। आमीन, ऐसे ही होगा। बेटा चाय पिलवाओगी? अभी बना के ले आती हूँ। और मेरे लिए भी। खबरदार, कोई जरूरत नहीं उन लोगों के आगे झुकने की। खादिम हुसैन को साफ कह दो कि भाई मुझे खाना पकाना नहीं आता, पहले भी तो उनके घर में खाना पकता था। अच्छा ये बताओ, तुमने उससे बात की है मकान अपने नाम लिखवाने की? लो, ये क्या बात हुई भला है? लो, इसमें जल्दी की क्या बात है? आजकल तो लड़कियां शादी होते ही मुंह फाड़ के अपना हक मांग लेती है। और मैं तो कहती हूँ कि खादिम हुसैन के साथ तुमने कोई रियायत नहीं बरतनी। बस अगर वो ना माने तो बोरिया भी इस तरह सिमटो और सीधा घर चली आओ, मैं बाद में संभाल लूंगी। खुदा हाफिज। ये क्या किया अम्मी आपने? अकेला आप ही की शादी को दिन ही कितने हुए जो आपने उनको बोल दिया कि बोरिया बिस्तर बांध के घर पे आ जाना। खुदा खुदा करके उनकी शादी हुई है, रुखसती हुई है, अब आप क्या चाहती हैं कि वो वापस हमारे सरों पे बोझ बन के आ जाएं? बोझ क्यों, खैर से उसका मामू अभी जिंदा है और मेरे भाई ने कभी तुम लोगों को बोझ नहीं समझा। और मेरी बात सुनो लड़की, ये बड़ों के मामले होते हैं, इसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अम्मी, जरूरत क्यों नहीं है? अब वो जमाना नहीं रहा कि एक दिन घर गए दूसरे दिन शोहर और ससुराल वालों को आंखें दिखाना शुरू कर दी। आपको क्या मिला था ये सब करके भला, बताइए? घर उजाड़ लिया ना अपना, अब क्यों अकेला बाजी घर की दुश्मन बनी हुई है? अब अकेला आप ही अगर लड़ाई झगड़ा करेंगी, शोर शराबा करेंगी तो कुछ नहीं होगा। बल्कि उन्हें चाहिए प्यार मोहब्बत से, चापलूसी से खादिम भाई को लेके चले, इसमें ज्यादा फायदा है। और यहाँ पे नानी जान और मानी जान क्या सोचेंगी कि बड़ी बेटी से तो घर बसा नहीं, छोटी क्या खाक बसाएगी। अब आपने ताजी ताजी बात की है मामू जान से और मानी जान से मेरे और अहमद के रिश्ते की, अब ऐसे में हम उनको अपनी कोई कमजोरी बताएंगे तो अपना दिमाग भी बदल सकते हैं। हाँ तो यूं कहो ना कि तुम्हें बहन के घर की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने घर की फिक्र है। अम्मी, घर की नहीं, घर वाले की। रहमत ने कहीं इशारे किनारे में कोई तुमसे बात तो नहीं की? अरे भूला भाला बच्चा है बेचारा, और शर्मीला भी है, उसकी आंखों में हया है और वो तुमसे बात करते हुए झिझक महसूस करता है। पर तू दिल छोटा मत कर, जैसे ही रिश्ता पक्का होगा मुझे यकीन है कि रहमत अपने आप को भी बदल लेगा। सच अम्मी,
हाँ मैं मर्दों की फितरत से खूब अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जो सबके सामने भोले भाले दिखते ना, अंदर से बहुत मिसड़े होते हैं। पहले मुझे निकाल तो लेने। अरे कुछ चॉकलेट आइसक्रीम कुछ तो होगी ना मेरे लायक। बड़ी भूखी है भाई, देखने तो देख क्या क्या लाई है। हैं रोटियां हैं और अच्छा सलाद। आप उसमें देख लेना। ठहर जा, ये क्या लाई है? हाय हाय, सिर्फ कबाब लेकर आई हैं? अरे अगर इतना बड़ा दिल कर ही लिया था तो कोई एक दर्जन दो दर्जन टिक्के ले आती। अम्मी एक दो दर्जन टिक्के? पेट है या? और अम्मी देखें, ना आइसक्रीम लाई है ना चॉकलेट, इतनी महंगी तो नहीं आती है। तुम जरा अपनी हालत देखो सज्जो, आइसक्रीम और चॉकलेट खा खा के ना तुमने अपना कितना वजन बढ़ा लिया है। घर पे बैठी रहती है और मुफ्त का खाती रहती है, मनो चर्बी चढ़ी हुई है तुम्हारे ऊपर। अगर ऐसा ही रहा ना तो कोई रिश्ता विश्ता नहीं आने वाला तुम्हारा, सारी जिंदगी घर पे ही बैठी रहोगी। मोटी क्यों नहीं आएगा रिश्ता? इससे मोटी हो गई ना तब भी आएगा, और शादी तो मेरी होगी तुमसे किसी अच्छे घर में ही होगी। लेकिन तुमने एक बात सही बोली कि मैं इसी घर में बैठी रह जाऊंगी, क्योंकि मुझे ब्याहने वाला इसी घर में तो रहता है ना, साथ वाले कमरे में। दिखते होते तो क्या ही बात। तू जो नहीं